नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आपकी फरमाइश में आज हम बात करेंगे 19 दिसंबर 1554 किंग हेनरी द्वितीय को 21 साल की उम्र में ही इंग्लैंड के साम्राज्य की गद्दी सौंप दी गई। 1860 में भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी का ब्रिटेन में निधन हुआ। 1907 अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के जैकबस क्रिक स्थित कोयले खदान में विस्फोट में 239 लोगों की मौत। 1927 महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्लाह खान, रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। 1931 जोसेफ लियोज ऑस्ट्रेलिया के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1932 बीबीसी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से की। 1934 भारत की 12वीं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का जन्म महाराष्ट्र के जलगांव में हुआ। 1950 जेन ईसेन होवर उत्तरी अटलांटिक गठबंधन के कमांडर बने। 1961 गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आज़ादी मिली। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सैनिकों ने गोवा के बॉर्डर में प्रवेश किया। 1974 ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग का जन्म हुआ। 1998 अहमद सेना को बांग्लादेश ने मानद नागरिक से नवाजा। 2007 टाइम्स पत्रिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। 1912 पार्क ग्यून है दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। जिन लोगों का आज के दिन निधन हुआ है वो है 1927 अशफाकउल्लाह खान स्वतंत्रता सेनानी भारतीय। 1927 राम प्रसाद बिस्मिल पुरुष स्वतंत्रता सेनानी भारत। 1907 सर जॉन स्ट्रिच पुरुष गवर्नर जनरल ग्रेट ब्रिटेन। 2002 बाबू भाई पटेल पुरुष राजनीतिक भारतीय। जिन लोगों का जन्म हुआ है वो है 1934 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महिला भारतीय। 1935 सीड फील्ड पुरुष लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका। 1919 ओम प्रकाश पुरुष अभिनेता भारतीय। अंकिता लोखंडे महिला अभिनेत्री भारतीय। आज के दिवस को हम कौन से दिन के लिए मनाते हैं?